सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही लगे बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Zomato एप्लीकेशंस पर एड्रेस कैसे ऐड करें। अगर आप भी Zomato एप्लीकेशंस पर एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी Zomato एप्लीकेशंस में डिलीवरी एड्रेस को ऐड करना है तो सबसे पहले Zomato एप्लीकेशंस को ओपन करनी है। ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एड्रेस को ऐड करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आएंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे की तरफ आने एक ऑप्शन आएगा एड्रेस बुक का, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में ऑप्शन आएगा ऐड एड्रेस, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली अपनी लोकेशन वाले इस एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो कोई भी हाउस नंबर है उस हाउस नंबर को सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे ही हाउस नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे उसके बाद में सिंपली आपको नीचे की तरफ सेव एड्रेस का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका जो कोई भी एड्रेस रहेगा वो सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एड्रेस यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर लाइव लोकेशन आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस एप्लीकेशन में अपने एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।